हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ, वंडर शेफ का ये कुक विद प्राइड ग्रेनाइट का सेट है, 3 पीसेस का सेट है। ये लिड भी है, इसमें फ्राई पैन है, आप देख सकते हैं, डोसा तवा है, 26 सेंटीमीटर का है, एक कढ़ाई टाइप है, तो ये सब आप इसमें देख सकते हैं। और वंडर शेफ का नाम है तो मैंने सोचा ये आपको मैं खोल कर बताती हूँ। तो पहले तो ये देखिए, इसके अंदर से निकला है ये तवा, बिल्कुल ही फर्स्ट क्लास है, इंडक्शन फ्रेंडली है। और निकालते हैं हम इसमें से ये लिड, बहुत अच्छे से ये पैक किया हुआ है। हालांकि मैंने ये शॉपर्स शॉप से खरीदा है। ये देखिए, ये लिड है, ट्रांसपेरेंट लिड है, ये देखिए। और इसके ऊपर जो ये हैंडल है, ये भी मुझे बहुत सुंदर लगा, ये उससे ग्रेनाइट का मैच करते हुए है। ये बीच में ना इन्होंने पैकिंग में ये गत्ता लगा रखा है ताकि आपस में जो है स्क्रैच ना पड़े एक दूसरे का। ये देखिए, ये इस टाइप से इसका ये पैन है, इस तरह से इसमें ढक्कन फिट हो जाता है। तो देखिए, परफेक्ट। और ये लिड ना सब पर फिट हो जाता है। ये आपने निकाल लिया पैन, कढ़ाई टाइप पैन है, थोड़ा गहरा है, वॉक है, वॉक कह सकते हैं आप इसको, ये पैन है। और इसके अंदर भी देखिए आप, ये लिड अच्छे से फिट हो जाता है ना, फर्स्ट क्लास। और मैंने ना इसको तवे पर भी ढककर देखा है, कभी कभी आप चीला पकाते हैं ना तो तवे पर भी ये आ रहा है, तो यानी एक ढक्कन तीन पे काम आ रहा है। तो आप उस तरीके से इसको बना सकते हैं, कुछ भी बनाना चाहें तो ढककर बना सकते हैं। और सबसे अच्छा ये है कि ट्रांसपेरेंट होता है तो उसमें दिखता रहता है कि चीज़ जली तो नहीं है ना, कोई ख़राब तो नहीं हुई। तो जो ब्लैक कोटिंग आती है ना, जैसे पहले निर्लैप के आते थे, वो जल्दी ख़राब हो जाती है। बट अगर आप इसको स्पॉन्ज से साफ करेंगे, देखिए हर चीज़ का ना ध्यान रखेंगे तो ही वो अच्छी रहेगी। ये देखिए हैंडल भी कितना अच्छा है, यहाँ से वंडर शेफ का नाम है भाई, और इंडक्शन फ्रेंडली है, ये मैं आपको बताना चाहूंगी। तो आप गैस पे भी चला सकते हैं, इंडक्शन पे भी चला सकते हैं, ये वारंटी है। इसमें ना ये दो का सेट है विद फ्री डोसा तवा, तो यानी तीन हो गए हैं, डोसा तवा साथ में आ रहा है आजकल। और यहां देखिए आप, ये 2 ईयर्स वारंटी है। ये जो स्कैनर है ना, इसको स्कैन करके आप यहां देखिए, आप मैं दिखाती हूँ क्लोजअप में, ये स्कैन करके आप वारंटी ले सकते हैं। तो 2 ईयर्स की वारंटी है और बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे रिव्यूज हैं इसके। और मैं भी आपको दे रही हूँ, मैंने भी इस्तेमाल करूंगी डोसा तवा और फिर आपको बताऊंगी। ये देखिए, ग्रेनाइट साइड सेट विद फ्री डोसा तवा है ना, फिर ये सारा इसमें लिखा है, 6200 MRP लिखा है, लेकिन मैंने इसको शॉपर स्टॉप से नहीं, होम सेंटर से लिया है। और ये मुझे लेस करके ना 2999 में, अप्रॉक्सीमेटली 3000 में पड़ा है, ठीक है। तो आप इस तरह से ये देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया सेट। और जो खासियत है ना इसकी, वो ये देखिए, ये मेटा टफ 5 लेयर नॉनस्टिक कोटिंग है, डेली यूज के लिए बहुत अच्छा है ना। तो बाकी सारी इंस्ट्रक्शंस इस पे लिखी हैं, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके। ये देखिए, इस तवे पर मैंने डोसा बनाया है और ये बहुत बहुत अच्छा बना है, बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है, परफेक्ट डोसा तवा है ये। और वंडर शेफ का नाम है भाई, वैसे तो हमें कोई पेड प्रमोशन नहीं है, पर मैं यूज़ कर रही हूँ तो उससे मैं बता सकती हूँ कि बहुत ही बढ़िया। ये देखिए, हम अपने नए तवे पर डोसा फैला रहे हैं दोबारा से आपको दिखाने के लिए, और बहुत बहुत अच्छे से ये फैल रहा है। मैंने कोई इसमें पानी का छींटा या नहीं लगाया है, हल्का सा ऑयल डालेंगे इसके ऊपर, ऑयल या घी, मैं घी डाल रही हूँ। और ये देखिए, धीमी आंच पे ना इसको सिकने की इंतज़ार करेंगे, और हम डोसा ना पलटेंगे नहीं अब इधर से, सीधा बस जब रेडी हो जाएगा तो आपको दिखाते हैं। और ये देखिए, आपको लग रहा था साइड से मोटा है, लेकिन नहीं, थोड़ी देर के बाद ही ये पतला जैसे हो जाता है। और ये देखिए कितना बढ़िया ये डोसा बनकर तैयार है, थोड़ा फोल्ड करके दिखाती हूँ, नीचे से भी कितना अच्छा सिका है, तो यानी ये परफेक्ट डोसा तवा है।